करता हूँ। सुनिएगा, गीत पुराना है तो मैटर भी थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अच्छा लगेगा। सुने सुने कि मैंने रंगा बसंती, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। अब दौर ना आएगा। गीत बनता है आगे, पंक्ति आती है। मैंने रंगा बसंती, ओ टोला दिलदार के लिए, वो दिल दीवाने का टोला दिलदार के लिए। सत्तर हट गई। आज कश्मीर भारत का अखंड अंग हो गया है, लेकिन यह हुआ कब? कब विचार करिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत उस समय हुई थी जब पीडीपी और बीजेपी में गठबंधन हुआ, और कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती बन गई मुख्यमंत्री। आतंकवादियों पर कार्रवाई चालू हुई, लेकिन आगे कुछ ऐसा ज्ञात हुआ कि पत्थरबाजों के हमले ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचार करिएगा, करिए। बीजेपी की बैठक हुई और बैठक में कहा कि ऐसा है, वहां की मुख्यमंत्री की फजीहत हो रही है देश में, उनके गठबंधन में हम लोग भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को उनका समर्थन मिल रहा है, वो शायद यही कारण है कि आज भी वो नजर कैद है। तो कहा ऐसे तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं हो पाएगा, इसलिए अब एक फैसला करना पड़ेगा। फैसला किया, गठबंधन आओ चले आओ, सीधा समर्थन वापस ले लिया। और जब समर्थन वापस हो गया तो टीवी न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज, पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। अब लोगों में चर्चा हो गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अब देखिए उसमें आपस में लोग उस न्यूज को देखकर चर्चा कर रहे हैं। क्या अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा क्या? क्या कहा कि सुनो सुनो, कश्मीर की कन्याकुमारी
कन्याकुमारी मति जिसकी गई है मारी, कश्मीर की कन्याकुमारी मति जिसकी गई है मारी, कम जोर कड़ी वो हमारी, कम जोर कड़ी ये हमारी। हमें संबंध नहीं रखना, चाहे न दिलों के बंधन, चाहे न दिलों के बंधन, रखना न कोई अनुबंधन, अब तोड़ दिया गठबंधन, अब तोड़ दिया गठबंधन। और जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस किया तो आपस में सब चर्चा करने लगे हम आप क्या। उसमें एक ने कहा कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कठिन फैसले लिए हैं, तो दूसरे ने कहा अरे देश के लिए उन्होंने जो कर दिया है शायद किसी ने न किया हो, तो तीसरे ने कहा भैया क्या किया क्या, तो वो कहने लगा सुनो मोदी जी ने किया क्या। सुनिए, अब तोड़ दिया गठबंधन, ओ पहले पत्नी हो कोई अनुबंधन, अब तोड़ दिया गठबंधन। सुनो, पहले पत्नी को छोड़ा, पहले पत्नी को छोड़ा जिस विशेष के लिए, समझ रहे हैं क्या। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की मुख्यमंत्री हुई थी, अब देखिए वो कह रहे हैं क्या, पहले पत्नी को छोड़ा, पहले पत्नी को छोड़ा जिस विशेष के लिए, अब महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के लिए, महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के लिए, महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के लिए। पहले पत्नी को छोड़ा जिस विशेष के लिए, अब महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के लिए, इसी देश के लिए। हेलो, बहुत बढ़िया चक्र सुना है अभी आप सभी लोगों ने, हाँ बेटे, कि पूरा मैदान ही साफ हो गया बेटा, वो गेंद बल्ला खेलते रहे, बहुत बढ़िया गाते हैं लेकिन इतना पता नहीं था कि इतना अच्छा गाते हैं। बढ़िया सा चक्र दिया है सम्मानीय अजय भैया ने, और जब आप भी बहुत बढ़िया आए हैं, हालांकि अजय भैया एक बात आपको बता दूं, क्या बेटे क्या, जैसे ही आप खड़े हुए आपने पुनः कहा नंदनी कह रही हो कि मेरे गीत को हलवा मत समझना, तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि मेरे गीत को हलवा मत समझना, अगर हम ऐसा कहते नहीं तो आप इतना ध्यान से उसको सुनते नहीं, कम से कम विचार तो किया उस पर। पुनः कह रहे हैं नंदनी जी
आप मुझे फंसने फंसाने का काम कर रही हैं। हालांकि मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। नीचे से कोरस भैया बोल रहे हैं, कोरस वाले भैया बोल रहे हैं हम फंसते नहीं हैं, बाईपास से चले जाते हैं। इनको बेटा रास्ता मालूम नहीं है। अच्छा, किस लिए नहीं जाओगे बाईपास से? ये आपका क्षेत्र है, एक एक कुलिया एक एक गली गली जानते हैं। जिसके पास टिकट नहीं होता बाईपास से निकल जाता है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर हम मिलते नहीं रास्ते में तो तुम लालगंज ढूंढती ही रह जाते हो। ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी ना बेटे ना। हालांकि जब कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाता है तो उसको पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, बिल्कुल बेटे, लेकिन वो पहुंच जरूर जाता है। पूछते पूछते ये आपका क्षेत्र है, आपको सब रास्ताएं पता है, रूट पता है, लेकिन हम पहुंच तो हम आ तो जाते लेकिन थोड़ा सा टाइम हो जाता बस। और आपने ये मेहरबानी कर दी, बड़ी मेहरबानी कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आप जल्दी आ गए, हम जल्दी आ गए, तो कार्यक्रम भी जल्दी शुरू हो गया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम दोनों कलाकारों के लिए। आइएगा, अपनी ओर से इस चक्र को लेकर के चल रही हूं। ऐसे ही नहीं था वास्तव में, हलुआ मत समझना। चेहरा आइएगा, आपका जो कर्जा मुझ पर चढ़ा है, हालांकि जब मैं पहले चक्र में खड़ी हुई मैंने आपसे कुछ नहीं कहा ना बेटे ना, लेकिन कुछ नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दुर्गेश नंदनी को इतने हल्के में ले लो। ये बुंदेलखंड है। हाँ, ये बेटा बहुत बड़ा पानी है। सुनेगा, जवाब आपकी ओर से बहुत सुंदर आया है, लेकिन आपकी क्लास बाद में, पहले आप अपना जवाब सुनिएगा। आपने गीत दिया है क्या? क्योंकि समय मुझे 20 मिनट का मिला है, बिल्कुल बेटा, और मैं अब चाहती नहीं हूँ, सुबह की बेला है, ज्यादा कुतर्कता करने की मेरी आदत नहीं है ना बेटे ना। जितना बोलो सुंदर बोलो, अच्छा बोलो। हाँ बेटे, आइएगा। गीत दिया है आपने, गीत दिया आपने, बढ़िया गीत आया है आपकी ओर से। हालांकि जो भी आपने गीत दिया है बहुत बढ़िया गीत आया है, सुनिएगा। गाया है बम्बई वालों ने। अरे ये प्यार भी है बीमारी, बढ़िया।
मुझे पगली कहे दुनिया शाह, मुझे पगली कहे दुनिया शाह। तो मैंने रंगा बसंती, खंड का जोश। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, क्या ताल मारते हैं, बजाना है ये है बजाना। जहाँ पे गाना खत्म ताल वहीं पर खत्म, सुनेगा। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, तो के दिल दीवाने का डोला दिलदार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं गाना बजाना मिट्टी। बहुत सुंदर आपकी तालियों के लिए। मेरा तन मन ले तो दिल दीवाने का डोला दिलदार के, आपकी पंक्ति बोल रही है। आप कह रहे हैं पहले पत्नी विशेष के लिए, तो अब महबूबा को छोड़ा उस देश के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा भैया, भारत देश के लिए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और ऐसे देश के लिए सोने की चिड़िया के लिए महबूबा को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जरासी बात है बेटे। कहाँ सोए रहते हो? सुनेगा आपके खंड गीत का यथाशक्ति प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि पसंद आएगा। और ये 101 रुपए की पदमुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री नयन कुमार भारती जी उत्तरा गौरी, नयन कुमार भारती जी उत्तरा गौरी, आपके ओर से 101 रुपए की पदमुद्राएं हैं। और ये सुंदर से कार्यक्रम के आप संयोजक हैं सम्मानीय पंडित श्री पंडित मौर्य जी। पंडित मौर्य जी आपके कर्मों से ये 101 रुपए की पदमुद्राएं हैं। सभी दानदाताओं को हृदय से नमन कर रही हूँ। दुनिया का जवाब की बात, आप कह रहे हैं कि महबूबा को छोड़ा इस देश के लिए, लेकिन बड़े भैया छोड़ने की बात तो बाद में आई। छोड़ने की बात तो बाद में आई। ये 201 रुपए की पदमुद्राएं हमारी बहन जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं श्री उमा शंकर जी मौर्य जी, आपकी बच्ची की ओर से उपासना मौर्य जी की ओर से ये भारी भरकम आशीर्वाद 201 रुपए की पदमुद्राएं हैं। आदरणीय बहन जी जहां कहीं भी आप विराजमान हैं हृदय से नमन कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप मुझसे बड़ी हैं तो आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, नमन कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। सुनिएगा पंक्तियों को, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन पहले यहाँ सोचिएगा जो मैं बता रही हूँ, जो लोगों के यहाँ नहीं यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है, बच्चा बच्चा जानता है और वो पंक्तियां है कौन। जिस समय हमारे देश के नौजवान
नौजवान सो रहे हैं। जब सो रहे थे धोखे से हमला हो गया, जब नौजवान सैनिक मारे गए, देश की पंक्ति गीत की पंक्ति इसी देश की पंक्तियों पर समर्पित कर रही हूँ। दुनिया का जवाब धोखा जो है की हाँ कर सुनिएगा धोखा जो है दीन्हा कर। सो रहे हैं देश के जवान, हमला कर दिया धोखे से हमारे नौजवानों पर। जब हमला कर दिया तो कहना पड़ा धोखा जो दीन्हा है कर, तो हमारे नौजवान ने उन नौजवानों ने बदले में मारा है घर में घुस कर। और हो गए हैं खड़े देखो तन कर। अच्छा भैया हो गए हैं खड़े देखो तन कर, लेकिन है मुखिया की वो धन धन। एक बात और, जब सारे विश्व में पता चला, और वो बात पता चली कौन सी है, कौन सी बात पता चली, कि आज रात 12 बजे से नोटबंदी। जब नोटबंदी तो सुनिएगा है मुखिया की वो धन धन, है मुखिया जी वो धन धन। मुखिया जी कौन, जो हमारे देश का मुखिया है मोदी जी। सुनिएगा है मुखिया जी वो धन धन, और उन्हीं मुखिया जी की वजह से बाहर आया काला धन। जब काला धन बाहर आ गया तो अपनाया कैसा ये साधन, अपनाया कैसा ये साधन। तो सुनिएगा इतिहास रच दिया हुए हैं। सभी लोगों ने टेलीविजन में देखा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने धारा 370 हटाई। जब सबके जुबान पर सबके दिलों में ये बात है तो एक बात और बता रही हूं, 370 तो हटाई लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि सभी लोग जानते हैं। उस ऐलान को मैं आप तक कैसे पहुंचा रही हूं, सुनिएगा इतिहास रच दिया है अब संविधान के लिए, क्योंकि 370 धारा हटाना कोई मामूली बात नहीं है, इसको भी हलुआ में मत लेना। अच्छा भैया इतिहास उस संविधान के लिए, इतिहास रच दिया है अब संविधान के लिए। और आप कह रहे हो कि महबूब
युवा को छोड़ा इस हिंदुस्तान के लिए। ऐसे नहीं उठे। आप कह रहे हैं कि महबूबा को छोड़ा इस देश के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ इतिहास रच दिया है अब संविधान के लिए, और वो जीता है और मरता हिंदुस्तान के लिए। अच्छा नहीं जी रहे हो, नहीं मर रहे हैं। हाँ ये है बेटा पंक्ति, सर हलाने से कोई काम नहीं चलता बेटे ना, इतनी मेहनत कीजिए। हाँ सुनिएगा, और ये बात सत्य है कि मोदी जी के अगर आप भाषण सुन रहे होते तो वो स्पीच देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरा जीना और मरना हिंदुस्तान के लिए। बेटा उधर, बेटा उधर मत देखो। हाँ बेटा वहाँ पाकिस्तान लगा है। और भैया आपको एक बात और बता दूं, आदरणीय डॉक्टर साहब, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो संसद के पैर छू करके अंदर जाए। और आप हंस रहे हैं, सुनिएगा, इतिहास रच दिया है अब संविधान के लिए, तो वो जीता है और मरता हिंदुस्तान के लिए। वो जीता है और मरता हिंदुस्तान के लिए, वो जीता है और मरता